हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा प्लांट किंगडम चैप्टर के जिम्नोसपम्प टॉपिक में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोसपम्प एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स ठीक है जिम्नोसपम्प यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे एनजियोसपम्प की ठीक है सो यहाँ पे देखिए ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो कि जो पाइनस है एक स्पीशी है पाइनस गराडियाना पाइनस ग्राडियाना ये जो स्पीशीज़ है इसकी सीड्स खाई जाती है ठीक है सीड्स आर एडिबल और वो सीड्स को क्या बोलते हैं हम चिलगोजा सीड आपने सुना भी होगा चिलगोजा सीड्स जो खाई जाती हैं दे आर बेसिकली दिस प्लांट की सीड होती है वो चिलगोज़ा सीड्स ठीक है तो दे आर एडिबल आफ्टर रोस्टिंग इनको रोस्ट करके राइट right? और फिर इनको खाया जाता है सो so, यहाँ पे मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ सबसे पहली स्पीशीज़ हमने देखी है पाइनस ग्राडियाना ये एडिबल है इसकी सीड्स को खाया जाता है चिलगोजा सीड्स बोलते हैं उनको ठीक है सेकेंड पॉइंट देखिए जिम्नोसपम जो है उनको एज अ यूज करा जाता है उसकी वुड को एज अ टिम्बर यूज एज टिम्बर ठीक है तो आपको पता है ना कि जिम्नोसपम के अंदर वुड कैसी है सॉफ्ट वुड जिम्नोसपम में सॉफ्ट वुड है और सॉफ्ट वुड होने की वजह से इनसे बनवाए जाते हैं यूज टू मेक लाइट फर्नीचर्स यूज टू मेक लाइट फर्नीचर्स हल्के फुलके जो फर्नीचर्स होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं ठीक है जैसे कि आप इस पर लिख सकते हैं वुड्स वगैरह ठीक है प्लाई बोर्ड स्टिक्स मैच स्टिक्स बनाई जाती हैं रेलवे स्लीपर्स

ठीक है तो लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री उसमें हमने डिस्कस किया है जो पाइनस की लीफ है ना वो निडल शेप की है जिससे हम फाइबर बोर्ड्स बनाते हैं ठीक है और फाइबर बोर्ड से फिर आगे क्या बनाते हैं यूज इन मेकिंग पैकेजिंग केसेस तो जो पैकेजिंग केसेस होते हैं ना पैक करने के लिए वो सॉफ्ट फर्नीचर जैसा ही है वो वुड का ही बना होता है तो पैकेजिंग केसेस इससे बनाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट देखो एफेड्रा एक जिम्नोस्पम है एफेड्रा एफेड्रा से एक ड्रग निकाला जाता है जिसको बोलते हैं एफेड्रिन एफेड्रिन और एफेड्रिन को यूज करा जाता है टू तो क्योर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स अस्थमा वगैरह हो जाता है ना उसको क्योर करने में इसको यूज करते हैं ठीक है सो so, एफेड्रा प्लांट जिम्नोस्पम से ड्रग बन रहा है एफेड्रिन विच इज यूज टू क्योर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स ठीक है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करता है ये राइट सिक्स इज एक और प्लांट है टेक्सस टेक्सस तो टेक्सस प्लांट से एक ड्रग निकाला जाता है टेक्सॉल ड्रग विच इज एंटी कैंसरस ड्रग ठीक है so, सो टेक्सस जो है इससे क्या करा जाता है इससे बनता है ड्रग जिसको बोलते हैं एं टेक्जॉल एंड टेक्सोल कैसा ड्रग है एंटी कैंसरस ड्रग ठीक है दिस इज एंटी कैंसर ड्रग इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस कैंसर्स राइट बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट आप देखो जो जिम्नोस्पाम है उनसे रेजिन बनाई जाती है ठीक है रेजिन प्रोडक्शन में यूज करते हैं इसको और रेजिन हम लोग निकालते कैसे हैं आफ्टर इंजरी प्लांट में पहले इंजरी करते हैं फिर उससे रेजिन कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बहुत सारे यूजेज उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करा जाता है ठीक है तो वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ करा जाता है सो नेक्स्ट इज सेवेंथ स ठीक है तो रेजेंस को कैसे कलेक्ट करते हैं पहले वो हम पहले हम वो देख लेंगे सो रेजिन इज कलेक्टेड आफ्टर इंजरी पहले कलेक्ट करा जाता है इसको आफ्टर इंजरी प्लांट में इंजरी करी जाती है कट लगाए जाते हैं जो भी उसके बाद इसको कलेक्ट करा जाता है तो रेजिन कैसा है बेसिकली सेमी फ्लूड है ये सेमी फ्लूडिक लिक्विड सा होता है सिक्रीटेड बाय स्पेशल ट्यूब स्पेशल ट्यूब्स होती है प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर उनसे ये सिक्रीट होता है सेमी फ्लुडिक नेचर का है ये ठीक है कैसा है सेमी फ्लूड नेचर का और जैसे ही ये एयर के एक्सपोजर में आता है रेजिन इट विल गेट सॉलिडिफाई सॉलिड हो जाता है सो रेजिन सॉलिडिफाइज ऑन एक्सपोजर टू एयर जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा ठीक है और फिर ये ना प्लग बना लेता है फॉर्म प्लग एंड ब्लॉक दी प्लेस ऑफ इंजरी जहां पर इंजरी हुई है ना उसको ब्लॉक कर देता है सो दैट अंदर कोई बैक्टीरिया फंगस वगैरह ना जाए और प्लांट में इन्फेक्शन ना फैला पाए ठीक है अब ये जो रेजिन है इसके बहुत सारे यूजेज हैं इसको बहुत सारी चीजों में यूज करा जाता है तो अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस ठीक है, सो रेजिन के यूजेस देखिए सबसे पहला तो है इट इज यूज इन वाटर प्रूफिंग एज प्रूफिंग ठीक है वाटर प्रूफ चीजें बनाने में इसको यूज करा जाता है सेकेंड सीलिंग ऑफ जॉइंट्स जो भी कहीं पे भी जॉइंट्स होते हैं कट्स लग जाते हैं जॉइंट लगाया जाता है वहां पे उसको सील करने में हेल्प करता है ये बहुत एयर के एक्सपोजर में आती है सॉलिडिफाई हो जाता है और उस जॉइंट को ना पूरा सील कर देता है थर्ड प्रिपेयर राइटिंग पेपर यूज टू प्रिपेयर राइटिंग पेपर ठीक है बहुत सारे पेपर्स भी बनते हैं इसे नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट इन पेंट्स एज सॉल्वेंट इन पेंट्स ठीक है वेरियस पेंट्स के अंदर इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज करा जाता है एंड इन पॉलिशिंग एंड वैक्सिंग में ठीक है पॉलिशिंग एंड वैक्सेस के अंदर इसको मिलाया जाता है ठीक है तो बहुत सारे जो पॉलिश होते हैं वुड पॉलिश वगैरह उनके अंदर इसको डालते हैं रेजिन में रेजिन को डालते हैं और इससे वैक्स वगैरह में भी इसको एज अ वैक्स का कॉन्सीटेंट भी यूज़ करा जाता है ठीक है तो ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिम्नोस्पर्म के यहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ ये एडिबल्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स की सीड्स खाई भी जाती हैं सेकेंड हम लोगों ने देखा कि दे आर यूज़ टू मेक पेपर नेक्स्ट हमने देखा दे आर यूज़ टू मेक फाइबर बोर्ड्स टिम्बर की तरह इसको यूज़ करा जाता है फिर कई सारे ड्रग्स इनसे बनाए जाते हैं लाइक ए फेड्रेन विच इज़ आर विच इज़ यूज़ टू केयर रेस्पिरेटरी एलिमेंट लाइक अस्थमा ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग अस्थमा लिख लेना कि अस्थमा भी ट्रीट होता है इससे ठीक है विच इज़ यूज टू ट्रीट अस्थमा फिर आपने देखा है टैक्सस जो ड्रग है टेक्जॉल वो इससे बनाया जाता है ठीक है विच इज़ एंटी कैंसरस ड्रग राइट और फिर रेजिन का हमने यूज़ देखा ठीक है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एनजी फॉर्म स्टार्ट करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस चैप्टर पे वीडियोस चाहते हैं ठीक है थीके? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहिए अपना ख्याल रखिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे बेस स्टे हैप्पी